Hello, good morning friends. Again, I'm come back with a new video, and yesterday I wasn't free. I was very busy. So I'm again back with a new video, and good morning everyone. Welcome to my channel Learn with Rosie. So आगे बार मैंने सिखाया था interrogative sentences, right? In the previous class. तो आज मैं सिखाने वाली हूँ this, that, these and those. Okay? इसका difference हम बस समझा देंगे तुम लोगों को. तो क्या होगा ना, ये सब sentences में use होने में start होता है, क्योंकि जैसा हो गया है this is my pencil. Okay? तो ये सब regular sentences में use होता है. So पहला चीज़ मैं बता देती हूँ, this का मतलब क्या होता है. This का मतलब होता है जो चीज़ जो सामने होता है, ओके उसको हम लोग बोलते हैं दिस, और जो चीज़ हम लोग से दूर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट. एग्जाम्पल हो गया है, दिस इज माई बैग, दैट इज माई शू. ओके, अभी दिस होता है सिंगुलर, और प्लूरल होता है दीज. ठीक है, जब बहुत सारा चीज़ होता है उसको हम लोग दीज बोलते हैं, और जब बहुत सारा चीज़ होता है उसको हम लोग दोज बोलते हैं. दैट का हो जाता है दोज. तो जैसा कि पकड़ लो बहुत सारा बुक्स रखा हुआ है मेरे सामने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर माई बुक्स. अब दूर में वो बुक्स रखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, दोज आर माई बुक्स. ठीक है, सो दिस का सिंगुलर है, सॉरी सिंगुलर का होता है दिस, और प्लूरल में होता है दीज. सेम वे सिंगुलर का होता है दैट, एंड प्लूरल में होता है दोज. तो ये हो गया है डिफरेंसेस. सो आज मैं एक बहुत छोटा वीडियो बनाई हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का. मैं डेली एक ही बात ही बोलती हूँ, आई वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम. एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट. अगर आप लोगों को लगता है कि और भी कुछ जानना है आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो. और अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वो भी बोल सकते हो कमेंट पे कि वीडियो अच्छा हुआ है या नहीं है, तो मैं इम्प्रूव कर लूँगी. सो सी यू अगेन टुमारो एवरीवन. एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कल मैं नहीं आ पाई आप लोगों के पास. सो आई मेक श्योर आई कम एवरी डे. बाय बाय, सी यू, टेक केयर एवरीवन.